फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को धरती तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको सागर कहा, और परमेश्वर ने देखा कि वह अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी हरी घास तथा पेड़ उगने लगे, और पृथ्वी फलदायी वृक्षों में फल लगने लगे, और वैसा हो गया। पृथ्वी हरी हरी घास बीज युक्त पौधे जिनमें अपनी अपनी जाति का बीज होता है, तथा फलदायी वृक्ष जिनके फलों में अपनी अपनी जाति के बीज होते हैं उगने लगे। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा है। फिर शाम हुई, फिर सुबह हुई, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें।